मणिपुर की हिंसा को 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। इन 5 महीनों में मणिपुर में 200 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जान जाने वाले लोगों में वो लोग भी हैं जिनको मेडिकल की सुविधा नहीं मिली और उनकी जान चली गई। हालांकि सरकार ने वादे किए थे लेकिन उसके बाद भी उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाई। आपको ये भी याद होगा कि जब मणिपुर में एक बार फिर से इंटरनेट शुरू किया गया था तब किस तरीके से वहाँ पर लोगों की बच्चों की तस्वीर और जो महिलाएं हैं जिनको निर्वस्त्र परेड कराया गया वो वीडियो भी वायरल हुआ। आपको ये भी याद होगा कि अभी 8 अक्टूबर को एक और वीडियो वायरल हुआ था, उसी वीडियो के बारे में हम आपको आज थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। 8 अक्टूबर को एक वीडियो वायरल होता है, वीडियो में एक व्यक्ति जिसको मार दिया गया था या वो जिंदा जला दिया गया ये नहीं अभी बता पाई है सरकार, क्योंकि अभी इसकी जांच चल रही है। वीडियो 4 मई का है, 4 मई का उसी दिन का ये वीडियो है और उसी जगह का ये वीडियो है जो वीडियो आपने कुछ दिन पहले जब संसद का सत्र शुरू होने वाला था उसे ठीक एक दिन पहले वायरल हुआ था, 2 महिलाओं का जिसमें उन्हें बिना कपड़ों के परेड कराया गया। अब आपको बताते हैं ये 8 अक्टूबर वाले वीडियो के बारे में। 8 अक्टूबर को जो वीडियो वायरल हुआ उस वीडियो में एक व्यक्ति देखा जा सकता है जिसको लोग जला रहे हैं, वो ये व्यक्ति जिंदा जला दिया गया या फिर उसको मारने के बाद जलाया गया ये अभी पुष्ट नहीं हो पाया है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि वीडियो में 2 लोग नज़र आ रहे हैं, एक व्यक्ति के इस तरफ खड़ा है, दूसरा इस तरफ खड़ा है, दोनों व्यक्तियों के सिर्फ पैर नज़र आ रहे हैं और एक व्यक्ति उस वीडियो को शूट कर रहा है। तो 3 लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और उसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि वीडियो में हमें जो आवाज़ सुनाई दी कि वहाँ पर उस व्यक्ति के ऊपर या फिर हवा में मगर बंदूक की जो गोलियां हैं वो चलने की आवाज़ भी हमें आई वीडियो में। अब इसके बाद जो कहानी बढ़ती है वो ये है कि एक दिन बाद जो कुलदीप सिंह हैं जो कि सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं सीएम बीरेन सिंह की, उनकी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं आप सुन लीजिए। नेम ऑफ द पर्सन इज लाल डिंग थांगा पोंगसाई, लाल डिंग थांगा पोंगसाई एलियास लाल जेम्स पोंगसाई, 37 ईयर्स, सन ऑफ जाम तिन मांग पोंगसाई, रेजिडेंट ऑफ हाउ होंग चिंग विलेज केपीआई डिस्ट्रिक्ट, पीएस नांग पोक सेकमाई डिस्ट्रिक्ट, हिज बॉडी इज लाइंग इन जेनिम्स। It has been requested that the case be given to CBI. The DG has already requested CBI to take this case because this case also is a sequel of that incident in which that video went viral. That two persons were killed and 2 ladies paraded naked and all. Location of the incident, sir. I just said the resident of Bola, na mane. Not resident, location of the incident. रेजिडेंट ऑफ आई डू नॉट है भाई, जो मैं है मेरे पास मैं वही बोलूंगा ना यार, जो मेरे पास नहीं है मैं कहां से बोलूंगा ना। आप जो पूछ रहे हो मैं बता रहा हूँ, रेजिडेंट इतना ही मेरे मुझे पता है, इससे ज्यादा नहीं पता है अभी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलदीप सिंह ने ये बताया कि उस व्यक्ति की पहचान कर ली गई है। व्यक्ति का नाम वो बताते हैं लाल डिंग थांगा खोंगसाई, जो कि कांगपोकपी के रहने वाले हैं और उनकी जो बॉडी है वो इम्फाल के जेनिम्स अस्पताल में मौजूद है, इस बात की वो पुष्टि करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो वीडियो में दिखाई दे रहा है व्यक्ति ये वही है। अब इसके बाद से कई सवाल खड़े हो गए। जब मणिपुर पुलिस के एक टॉप सोर्स से हमने बात की तब वो कहते हैं कि अब प्रशासन को ये डाउट है, मणिपुर की पुलिस को ये डाउट है कि जो वीडियो में व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो लालडिंग थांगा ही है या फिर कोई और व्यक्ति है। ये डाउट कहाँ से आया? हमने लालडिंग थांगा जिनके बारे में बात हो रही थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके परिवार से बात करी। उनका परिवार अभी चूराचांदपुर में है। हमने उनके छोटे भाई से बात करी जॉन से। जॉन हमें बताते हैं कि उस वीडियो को मैंने कई बार देखा लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो मेरे भाई का वीडियो नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेरे भाई को 4 मई को ही मार दिया गया था और इसकी FIR हमने एक दिन बाद दर्ज कराई थी। FIR में कई धाराएं थीं, आपको वो सभी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। और उनके जो माँ हैं, माँ से भी वहाँ के जो कुकी समुदाय के लोग हैं उन्होंने भी मुलाकात की, माँ से जो जिस रिलीफ कैंप में उनकी माँ रह रही हैं वहाँ जाकर उनसे मुलाकात की। उनकी माँ ने भी इस बात से इनकार किया कि वो उनके बेटे की वीडियो है। इसके बाद से
जो मणिपुर की पुलिस है उनके पास भी तमाम सवाल आने लगे, और जो टॉप सोर्स हैं मणिपुर पुलिस के हमारे, उन्होंने हमें बताया कि अब जो प्रशासन है उन बॉडी का डीएनए टेस्ट करवाएगा, उसके बाद ये देखा जाएगा कि ये बॉडी किसकी है, ये पता लगाने की अब कोशिश जारी है। एक तरफ जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह दिया है कि इस व्यक्ति की पहचान ये है, लेकिन अब परिवार इस बात से इनकार कर रहा है। अब आपको इसके अलावा एक और अपडेट बता देता हूँ कि मणिपुर में अभी भी लगातार इंटरनेट जो है बंद है और उसके दिन बढ़ाए जा रहे हैं, एक बार फिर से 5 दिन बढ़ा दिए गए हैं। इंटरनेट तब बंद हुआ था जब 2 मैतेई बच्चों का फोटोज़ जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे कि उनकी हत्या कर दी गई है, और बच्चे जो है ट्यूशन पढ़ने गए थे उसके बाद से वो बच्चे गायब हो गए। परिवार को आखिरी तक उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे लेकिन आ नहीं पाए और उनकी हत्या कर दी गई। अब उस केस की जाँच सीबीआई कर रही है। ये जो केस है जिसकी वीडियो वायरल है 8 अक्टूबर से, उसके बारे में जो डीजीपी हैं उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इस केस को सीबीआई को रिकमेंड किया है। उसके पीछे के उन्होंने कारण ये बताया कि जो पहले के केसेस थे वो भी सीबीआई देख रही थी, उसी तारीख के उसी जगह के उसी वक्त के जो केसेस हैं वो 2 पहले के केसेस हैं वो सीबीआई देख रही है, तो ये भी उसी के इर्द गिर्द हुई घटना है, उसी इलाके की घटना है, तो पुलिस चाहती है कि ये केस भी सीबीआई देखे। इस मामले में एक अपडेट ये भी आई है कि अब जो कोई भी व्यक्ति ऐसी तस्वीरें और फोटोज़ को शेयर करेगा, वीडियोस को शेयर करेगा, तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। कैसी तस्वीरें आपको वो भी बता देते हैं। जिन तस्वीरों में या फिर जिन वीडियोस में इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो दिखाई जा रही होंगी, तो सरकार उन लोगों के ऊपर FIR करेगी, ऐसा मणिपुर की सरकार ने अभी हाल ही में ऐलान भी किया है। आगे जो भी होगा मणिपुर से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप लोगों तक लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम याकूत अली है, कैमरे के पीछे हैं देवी दत्त। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।